तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा हाथ में एक कागज है, ये एक बुक है, हालांकि इसमें बहुत सारे इंग्लिश लिखा हुआ है, तो मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, मैं किस तरह पढ़ूँ। तो ये मेरे कैमरा को ओपन कर लिया, और ओपन करते ही दोस्तों इसका जो है एक फ़ोटो में कैप्चर करने वाला हूँ। जब भी इस फ़ोटो का मैंने कैप्चर कर लिया, और करते ही दोस्तों ये सारे जो है इंग्लिश मेरे को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। अब मैं बड़ी आसानी से पढ़ सकता हूँ कि इसमें क्या लिखा है, उस पेपर में क्या क्या लिखा था। दोस्तों है ना ये कमाल की ट्रिक। दोस्तों अगर आपको भी ये ट्रिक सीखना है तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ घंटी को कर दीजिएगा हिट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और आपको बताते हैं कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी भाषा को अपना भाषा पर ट्रांसलेट करके उसे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जो है ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में जाकर के आप गूगल ट्रांसलेट लिखकर सर्च करके जो है निकाल सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो है आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है, तो ऊपर रख दिया मैंने इंग्लिश, नीचे जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपने भाषा हिंदी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हिंदी को ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है दोस्तों, ये हिंदी को मैं सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, ये वाला कैमरा वाला जो आइकन है इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी कागज़ पे कुछ लिखा होगा कुछ अलग भाषा में, तो वही भाषा पहले आपको सिलेक्ट करना होता है। तो सिंपली मैंने वहाँ पर आप देख लिए कि इंग्लिश को सिलेक्ट कर दिया था। अब ये वाला पेपर को मैं जो है कैप्चर कर लेता हूँ, एक फ़ोटो कैप्चर कर लिया, ठीक है। कैप्चर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ये प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट करना होगा कि कितना जो है टेक्स्ट का आप ट्रांसलेट निकालना चाहते हो। तो अगर आप जो है सबका ही निकालना चाहते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद ये जो देख सकते हैं साथ ही साथ जो है इसका ट्रांसलेट निकल गया, एक सेकंड में जो है इसका ट्रांसलेट, सारे ट्रांसलेट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है निकल चुके हैं। अब बड़ी आसानी से आप जो है अपना भाषा पर इसे पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों, जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ घंटी को कर दीजिएगा हिट। दोस्तों चलता हूँ और मिलता हूँ अगले कहने वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।